हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और एक्सपेक्टेड करते हैं फ्रेंड्स, आपके मंडी परिषद एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 2 से 3 दिन और बचा है। मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, स्पेशली इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट उससे जुड़े हैं, कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे कोर्स या PDF के फॉर्म में इस चीज़ को अवेलेबल करा रहा हूँ और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि सर एक टारगेट बता दीजिए, क्योंकि पोस्ट वगैरह बहुत काफ़ी कम है, तो किस हिसाब से चीज़ों को अटैम्प्ट किया जाए। क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी जो प्लान थी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और उनके द्वारा कंटिन्यू कॉल आ रहे थे, मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। क्योंकि अगर आप ये टारगेट से कम रहते हो तो फ्रेंड डेफिनेटली आप मान के चलना कि सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अदरवाइज़ आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छी खासी तरीके से बूस्टअप करना है और इस लेवल को ज़रूर क्रैश करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम के कट ऑफ मैंने दिए हैं, एक भी एग्ज़ाम का कट ऑफ मेरा गलत नहीं हुआ है। और YouTube पे सबसे ज़्यादा मेरे कट ऑफ होते हैं, लेकिन इससे नीचे आज तक कट ऑफ गया ही नहीं। फ्रेंड्स, मेरे सारे वीडियो जिसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, अभी भी एग्ज़ाम के वीडियो वो पड़े हुए हैं, जो कट ऑफ के वीडियो, और रिजल्ट के आने बाद भी मैंने अभी तक कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया। आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C ग्रुप D की वैकेंसी 2017 का हो, UP पुलिस वैकेंसी 2018-19 का हो, UPSC एग्ज़ाम का इनफैक्ट मैंने 90 क्वेश्चन के आसपास में दिया था कि 90 क्वेश्चन आपका अगर सही होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो 92 क्वेश्चन जनरल की कटाई हुई, जो कि YouTube पे किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि 85 के ऊपर जा पाएगी। हाईकोर्ट ARO की जो कट ऑफ थी वो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा 155 क्वेश्चन बताए गए थे, लेकिन उस टाइम भी लोगों को लगा था कि काफ़ी ज़्यादा बता दे रहे, बहुत सारे डिसलाइक आए थे। लेकिन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ आया या रिजल्ट आया, उसके बाद जो डिसाइड किया गया फ्रेंड्स, उसके बाद जो पता चला वो ये इनफैक्ट यही था, 160 आसपास में चले गए थे। वो बहुत सारे लड़के प्रीवियस मैसेज करके वहाँ पे आए और वो चीज़ को मेंशन किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C ग्रुप D की वैकेंसी 2018-19 जिसका भी फाइनल रिजल्ट आया है उसकी भी, और युवा कल्याण अधिकारी का जिसको सबसे ज़्यादा कटअप अभी तक गया है UP SSSC वैकेंसी में, वो भी कटअप। सभी के वीडियो फ्रेंड्स प्रूफ के फॉर्म में आपको पड़े हैं अभी तक मेरे चैनल पर, आप विजिट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस कर लेते हैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड और टारगेटेड कटअप को। फ्रेंड्स, एक बात मान के चलिए, ये जो मैंने कट ऑफ दे रखी है वो स्पेशली दे रखा है मंडी इंस्पेक्टर अमीन का जो है, जिसके लिए आपकी 94 पोस्ट है, ठीक है। बहुत सारे और पोस्ट हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनकी पोस्ट कम है, 4, 5, 10, 24 ऐसे करके है। स्लाइड पे आप इस टाइम देख पा भी रहे होंगे, लेकिन ये स्पेशली उसी के लिए बना है क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं वाला है, इसलिए इसकी कट ऑफ सबसे हाई होने वाली है। जनरल की जो कट ऑफ होगी फ्रेंड 150+ होगी। फ्रेंड्स, मान के चलिए कि इससे नीचे कट ऑफ जाएगी ही नहीं, डेफिनेटली हम मान के चलिए। अगर आपको कुछ भी मेंशन करना हो तो प्लीज़ अभी रुकें, रिजल्ट आने के बाद आप ये डिसाइड कर लीजिएगा। और एक्सपेक्टेड लगता हो तो प्लीज़ बूस्टअप जरूर कीजिएगा। OBC के कट ऑफ जो आपकी होगी वो 145+ होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, SC की कट ऑफ होगी 140+, ST की कट ऑफ 135+, और फीमेल की जो कट ऑफ होगी वो OBC कैंडिडेट्स के नियर अबाउट बराबर होती है, तो 145+ मान के चलिए। जो फ्रेंड्स आपके एक्स सर्विसमैन के हैं उसमें काफ़ी कम पोस्ट दे रखी है, बहुत ही रेयर पोस्ट दे रखी है, तो अगर उनके बहुत अच्छे खासे मार्क्स होते हैं 145+ तो उनका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम के पहले ये देना मुझे लगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी चल रही थी, प्लीज़ टारगेट अपना बना के चली गया। और जहाँ से भी मतलब मटेरियल्स आपको अच्छा खासा मिल सके जरूर पढ़ाई करिएगा और बूस्टअप कीजिएगा, ताकि कोशिश कीजिएगा। 1/2 माइनस मार्किंग है, तो कम से कम माइनस मार्किंग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एब्सोल्यूट होंगे उनको क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान के करना है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। और 2-3 दिन में जो भी हो सके मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, 1-2 वीडियो और दे दूंगा। तो फिलहाल 15 से 20 वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो, 5 से 10 मिनट के अंदर के सारे वीडियो। फ्रेंड्स, एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।